हेलो स्टूडेंट वेलकम टू अवर न्यू वीडियो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पर संस्कृत का जो आपका कक्षा नवी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है उसके लिए यहाँ पे आपके लिए प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं यहाँ पे आप देखेंगे आपको समय तीन घंटे का रहने वाला है और कुल प्रश्नों की संख्या तेईस है आपकी चलिए हम नीचे देख लेते हैं यहाँ पर आपके निर्देश दिए गए हैं इसी के अनुसार आपके पेपर में क्वेश्चन आए हैं देखिए यहाँ पर देखेंगे हम छः अंक के जो हैं आपके सही विकल्प होने वाले हैं स्टार्टिंग में तो आप यहाँ पर देखेंगे उनको है ना उचित विकल्प हम चित्त वाले कर, पहला है वो आपका जो विकल्प है हसन इतम पदीप प्रत्यय स्त्री हसन में कौन सा प्रत्यय है तो यहाँ पे श्रृत प्रत्यय जो है वो हसन में है ये आप सही आंसर लगाएंगे इसका बी ऑप्शन शत्र अगला देखेंगे हम यहाँ पे आपका है अगला हम दीघमी कथा पठामी जो आपका ये इतना सेंटेंस दिया गया है इसमें वाक्य इस वाक्य में, में आपका विशिष्ट पद कौन सा है वो पूछ रहा है तो आपका इसमें विशिष्ट पद है ये आपका दीर्घम दीघामी है ना तो इस प्रकार हो जाएगा इसके बाद अगला है पातुम इतस्विन पद प्रत्ययस्थी इसका हो जाएगा पातुम में जो प्रत्यय है वह है आपका तुमुन ये डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा अगला देखेंगे हम चक्षुषी भास्कर तत्व इतस्विन पदे विशेषणम पदम तो यहाँ पे चक्षुसी भास्कर तत्व तो में आपका विशेषण पद है जो वो चक्षुसी ही है यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा इसका गतवान में आपका प्रत्यय कौन सा है भाई यहाँ पे गतवान इत्यासवीं प्रत्यय थी तो गतवान में जो आपका प्रत्यय है वो है ये आप याद रखेंगे कितवतु प्रत्यय होता है गतवान में अगला है आपका, इसमें पूछ रहा है आपसे पठित्यम प्रत्यय अस्ति पठित्व में कौन सा प्रत्यय है भाई गतवान में तो आपका था इसमें है में प्रत्यय है आपका चलिए अब हम यहाँ यहाँ पे रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं यहाँ से इनके भी मैं आपको आंसर बता दूंगा आपके सात अंकीय रहने वाले हैं धैनु पयाई पदम तो धैनु का प्यायी यानी कि पर्यावची पद कौन सा है शब्द कौन सा है तो यहाँ पे वृषव गावह गावह जो है धैनु का पर्यावची शब्द उपकार इत्यस्य विलोम पदम उपकार का विलोम अपकार होता है यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा इंद्र इत्यस्य प्यायी तो शक्र ये हो जाएगा इंद्र का पर्यावची स्वजन पुत्र प्रहृति तो हृदय इसका आंसर हो जाएगा बड़ी पुत्र नाम किम तो यहाँ पे जीड़ धनों ये हो जाएगा भानु इत्य प्यायी भानु का जो पर्यायवाची शब्द है वो सूर्य है अंधकार से विलोम पदम तो अंधकार प्रकाश का विलोम है भाई तो इस प्रकार से आपके सभी से वो रक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं इन्हें आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें यहाँ पे आपकी सही जोड़ियाँ स्टार्ट होती हैं छः अंक होने वाली हैं इसके आपको यहाँ पे आंसर बताए जाएंगे युग्म मिलनन कुरुत पहला है आपका रामस्य इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी आपकी षठी एक वचनम से दूसरा है आपका फलानाम इसकी षष्ठी बहुवचनम से कबौ नदी कबौ की आपकी मिल जाएगी सप्तमी एक वचनम से नदी की द्वितीय एक वचनम से बहुवचनम से उपरोक्त उपक्रोति की उप से और बाघ प्लस संहिता इस प्रकार से आपकी बन जाएगी यहाँ पे आपके जो एक वाक्य न उत्तर स्टार्ट होते हैं चलिए देख लेते हैं देखिए यहाँ पे गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष से एक वचन हम तो इसका आंसर देख लेंगे तो यहाँ पे हम देख लेंगे अगला आपका जो है देखिए इनके आंसर आप देख लेंगे इसका आंसर इसका अगले वाले का यहाँ पे बालक अधूना पठती इत्यस्विन वाक्य अभ्याय पदम तो इसका आंसर अधूना इसी क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है अधूना जो है यहाँ पर देख सकें आप सेकंड में यही इसका आंसर है यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे इसका अधूना थर्ड है आपका दो ही अभ्याय का सहसा आंसर इसका हो जाएगा गजह सने चलती इतस्विन पद वाक्य में शनि शनि दो बार आप इसका आंसर लिखेंगे गच्छति क्रियापदे क का धातु अस्ति अगला है हंस धातु आप इनके आंसर देख लेंगे जिनकी कुछ के आंसर क्लियर नहीं है वो आप देख लेंगे राम धावती इतस्विन पद एक का धातु धाव है ना इस प्रकार से आपके यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं फिर इसके बाद आपके सत्य असत्य यानी कि आमना आते हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे छ अंक में आपके पूछे जाएंगे समुद्रम पदे अब समास वर्त यहाँ पे ये आपका आम हो जाएगा अगला है पाड़ी च पाद चाह पाड़ी पादस्थी आपका आम हो जाएगा मना प्लस विसर्ग संधि अस्थि आम श्रुष्स उदाहरण अस्त प्लस लीन तोीन न सदैव सदैव वृद्धि चंदी उदाहरण वर्तते आम तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं आपके जो शुद्ध वाक्यान समक्ष आम अशुद्ध वाक्यान समक्ष तो यहाँ पे आप इसे कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं स्टार्ट तो इस प्रकार से सभी के आंसर आप जरूर कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक हम आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं अभी हम आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे यहाँ तक जो आपके क्वेश्चन हैं सभी के आंसर आपको तैयार कर लेने हैं और आप निबंध जो आपका आता है इसमें वो उद्यानम पे कर लेंगे आप और संस्कृत भाषा पे याद कर लेंगे और जो आपके पत्र लिखने के लिए आते हैं वो भी आप कर लेंगे तो अपने ही जो बुक्स है उसे देख लीजिएगा यहाँ पे जितने आंसर और क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकता था इन्हें आपको करा दिए हैं इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में